नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आज नए ब्लॉग के साथ। और ठंडे का मौसम है और काफ़ी ज़्यादा नरमी चल रही है। तो दोस्तों आज बारिश भी काफ़ी हो रही है मेरे गांव में और ठंड। ये थराली गांव की वीडियोस बना रहा हूँ मैं, क्योंकि जो थराली गांव चमोली में जिले में चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उत्तराखंड में, और काफ़ी सुहाना मौसम हो रहा है, ठंड भी काफ़ी लग रही है, पूरे पीछे बादल छाए हुए हैं। और मैं भी जो मेरा पुराना वाला घर है मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और दिखाता हूँ आपको कैसे मॉडल का है हमारा पुराना घर। ये पहले ना, हम बहुत पहले यहाँ पे किचन था, ये किचन अब ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से, क्योंकि अब हम शिफ्ट हो चुके हैं। और ये मेरे पहले का घर है, ये पहले वाला कमरा, इसके दूसरे वाला कमरा, ये दो दो घर थे हमारे। अभी प्रेजेंट टाइम में तीन घर है हमारे, मतलब गांव में दो तीन घर है। और ये पीछे का व्यू देखो आप, कितना प्यारा सा लग रहा है। और जो मेरे घर की लंबाई है ना, वो दिखा रहा हूँ आपको, कितनी लंबाई है और कितनी चौड़ाई है। और पूरे के पूरे ना 20 कमरे हैं, और आज के टाइम पे ना इस मकान बनाने में इतना टाइम लगेगा और पैसे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। उस टाइम का इतना महंगा मकान है, बहुत महंगा, मतलब जिसे बोलते हैं लग्जरी घर। और आज के टाइम पे ना इस घर को कोई नहीं पूछता है, आज के टाइम पे लोग कोठी, ये उस ज़माने की कोठी है, 1987 समथिंग की। तो देखो दोस्तों कैसा है, इतना लंबा सा घर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऊपर भी हमारा ही है ये पूरा घर। तो ऐसा है हमारा घर कुछ। अब इसमें कोई रहता नहीं है क्योंकि काफी टाइम पहले छोड़ चुके हैं इसको, अब लोगों ने नई नई जगह बना लिया तो कोई यहाँ पे रहता नहीं है, पूरी सुनसान बस्ती है। तो दोस्तों कुछ ऐसे हमारे घर का, कुछ ऐसे दिखता है हमारा घर। और ये अभी मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है, बारिश भी काफ़ी हो रही है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। मतलब अंधेरा सा तो बहुत हो रहा है लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब पूरा कोहरा छा रहा है बगल में, देखो उधर पूरा कोहरा छा रहा है, पर बहुत अच्छा लग रहा है। और आजकल ना कंडाली के, जो कंडाली होती है ना, कंडाली नाम सुना होगा आपने उसको, मेरे ख्याल से उसको बिच्छू की घास भी बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, उसे ना हाथ में लगने से ना बिल्कुल जैसे एलर्जी टाइप की होती है, दिखाता हूँ। और आजकल ना उसका साग, मतलब उसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत ही अच्छी, मतलब अगर आप खाओगे ना बहुत मज़ा आता है। और बोलते ना कोरोना, ना कोरोना के से भी कोरोना। और अभी देहरादून मार्केट, उत्तराखंड मार्केट में मैंने न्यूज़ पढ़ा था तो 120 रुपये के जी बिक रही थी कंडाली, दिखाता हूँ कैसी है कंडाली। दोस्तों कुछ इस तरह से दिखती है कंडाली का पेड़, और इसकी ना इतनी टेस्टी होती है। इसको पहले ना, जैसे गैस है ना आपके पास, तो ये वैसे गांव में तो चूल्हे होते हैं, तो चूल्हे में इसको तोड़ करके, मतलब पहले इसके जो ये कांटे जैसे दिखाई दे रहे हैं ना हल्के हल्के से, ये हल्के हल्के से नीचे से, ये वाला ये सब वाइट वाइट से दिखाई दे रहे जो, तो इसको आग में, देखो दिखाता हूँ इसका मॉडल। ये देखो जिस पे ये कांटे कांटे से दिखाई दे रहे हैं ना वाइट वाइट, ये वाले तो ये ना आग में, चूल्हा होता है गांव में, तो चूल्हे में इसको वो कर मतलब आग में इसको वो कर भूनने टाइप, मतलब उससे जलाते जैसे हैं, तो इसके कांटे सारे जल जाते हैं, ताकि फिर इसको उबाल करके इसको फिर बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल करके, फिर उसके बाद इसकी काफ़ी, इसका आप सब्जी भी बना सकते हो और दाल टाइप के साग भी बना सकते हो, मतलब साग जिसे बोलते हैं गढ़वाली में शाक बोलते हैं, तो वैसे में बोलते हैं सब्जी या दाल तो मतलब कंडाली की दाल ये बहुत सारी दालें होती है, मतलब कंडाली दाल नहीं होती है, वो सब्जी में आती है। देखो कितना प्यारा लग रहा है मेरे घर। और आजकल चल रहा है महीना दिसंबर का और बर्फ आने वाली है मेरे गांव में, अगर बर्फ पड़ेगी ना तो जरूर वीडियो लाऊंगा कैसी बर्फ पड़ती है। अरे ओली जाते हैं लोग बहुत सारी जगह, मतलब टूरिंग पे जाते हैं, हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हमारे वहाँ दुनिया भर की चीज़ें अवेलेबल है, मतलब बर्फ़ यहाँ खुद ही पड़ जाती है तो जाने की किस बात की ज़रूरत। तो दोस्तों इतना बड़ा आंगन था। अब जैसे कभी ना शादी होती है, मतलब हमारी फैमिली में किसी की, तो शादियाँ मतलब ऐसे घर पर करवाते हैं। और बीच में मतलब हमारी किसी बहन की शादी हुई थी तो उसकी भी शादी यहीं करवाई थी हमने इसी घर में। और ये यहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, लेंटर वाला मकान, मतलब कोठी वाला जो आजकल लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और ज़्यादातर ना वैसे मुझे ये वाला घर ज़्यादा पसंद लगता है जो मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए, मतलब जो हमारा पुराना घर है उसको दिखा रहा था, वो ज़्यादा बेटर है। और इसमें कोई नहीं रहता, ये भी खंडहर है, मतलब कोई इसको यूज़ नहीं करता,
और दिखाता हूँ गौशाला किस तरह की होती है। गौशाला भी ऊपर पे, यहाँ ऊपर पे दिखाई दे रही है ये गौशाला, ऊपर वो दिख रहा ना। मैं थोड़ा सा ना हाथ का निशाना सही तरीके से नहीं लगा पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ऐसा होता है ना, मैं कैमरा को दिखाऊंगा ना तो वो पीछे को मोड़ ऑफ नहीं बनता है बंदा। बाकी बहुत ही अच्छा लग रहा है गाँव में, बहुत मज़ा आ रहा है, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की सी, प्यारा सा मौसम हो रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करते। जो मेरे चैनल पे ना नए हैं ना, प्लीज़ छोटा सा काम है, मतलब 2 सेकंड भी नहीं लगते, 1 सेकंड भी, आधा सेकंड भी नहीं लगता, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बारिश भी होने लग गई है तो मिलता हूँ फिर। अगर बर्फ़ पड़ेगी तो ज़रूर बर्फ़ की वीडियो लेके आऊँगा आपके सामने, कि किस तरह का लगता है बर्फ़ पड़ के हमारा गाँव। तो दोस्तों तब तक के लिए भाई, और अपना ख्याल रखें।